देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। बच्चा चोरी से संबंधित सूचना का सत्यापन एवं जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा किए जाने व प्रभावी गश्त किए जाने उपरांत आम जन को जागरूक किए जाने हेतु लाउड हेलर का प्रयोग व सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाह का त्वरित रूप से खंडन करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी ब्रेकिंग न्यूज से शिवा वर्मा की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। चोरी के अफवाह की सूचना आ रही है और उस अफवाह के आधार पर लोगों के साथ मारपीट अभद्रता के मामले भी सामने आ रहे हैं। पुलिस की तैयारी क्या है? इस पूरे प्रकरण को शासन एवं पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। पूर्व में भी मॉब लिंचिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी जनपदों को दिए गए थे, उन्हें पुनः भी संवेदनशील बनाया गया है, नया सर्कुलर जारी किया गया है और ऐसे सभी प्रकरण जो भी इस तरह की चीज़ें अगर प्रकाश में आ रही हैं उसके लिए निर्देश है कि उसकी सत्यता को तुरंत सीनियर लेवल पे राजपत्रित अधिकारी जाके स्वयं परखें और सत्यता के आधार पे कार्रवाई करें। अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तथा अगर झूठे आरोपों में किसी के साथ मारपीट की जा रही है, चोट पहुंचाई जा रही है, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स जहां पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, इस ऐसे 5 साल के आंकड़ों को निकाल के वहां पे प्रॉपर गश्त और पिकेटिंग की व्यवस्था कराई गई है। 112 को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके वाहन भी ऐसे कॉल्स पे तत्काल मौके पे जाएं और लोगों को जागरूक करें। पुलिस को ये भी निर्देश दिया गया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग CCTV हैं उसके फुटेजेस का उपयोग करें, तथा जन सहयोग से या अन्य कोई जो व्यावसायिक संगठन है उनके द्वारा जो CCTV लगाए गए हैं उसका भी सदुपयोग किया जाए। साथ ही साथ लाउड हेलर के द्वारा कंटिन्यूअस इसका जो पुलिस के छोटे वाहन हैं उसके द्वारा इसका अनाउंसमेंट कराया जाए, और विशेष रूप से जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या सुनसान इलाके में अगर कोई भी व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त रूप से घूम रहा है उसको भी प्रॉपर टेक केयर करने के निर्देश दिए गए हैं। अमूमन देखा जाता है कि ऐसी स्थितियों में उसके साथ भी लोग मारपीट करते हैं और अनायास हिंसक घटनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में हिंसक घटनाएं कारित कर रहा है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के निर्देश शासन एवं DGP के द्वारा सभी फील्ड फॉर्मेशन को दिए गए हैं। सर, क्या वाकई प्रदेश में ऐसा कुछ है कि कोई संगठित ऐसा गिरोह चल रहा है? क्या वाकई कुछ बच्चा चोरी की घटनाएं हुई हैं? इस तरह की कोई बात नहीं है। समय समय पे आपने पूर्व में भी देखा होगा, एक मास हिस्टीरिया का जनरेट हो जाता है कभी कभी, और उसके आड़ में इस तरह की घटनाएं कुछ लोग जानबूझ के भी अपराधी तत्व करते हैं और कुछ लोग अनजाने में भी करते हैं। तो इसको तत्काल ऐसे चीजों पे रोकथाम लगाने की जरूरत है और इसके लिए पूरी तरीके से हम सजग हैं। और कुछ ऐसे जनपद हैं जैसे हमारे कौसाम्बी है, सीतापुर है, लखनऊ है, बिजनौर है, जहाँ भी इस तरह के दृष्टांत सामने आए हैं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों पे एक्शन लिया। सर, जो बच्चा चोरी की घटना जो अफवाह है, अभी तक कितनी ऐसी अफवाह है जिसको पुलिस ने खंडन किया है ऐसे सोशल मीडिया के? हमारे सोशल मीडिया इस पर लगातार प्रयत्नशील है और जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना आती है हम तुरंत ही उस जनपद को अलर्ट करते हैं और प्रतिदिन जो बच्चे चोरी की घटना के संबंध में जो भी ट्वीट्स होते हैं उसका एनालिसिस और उसके बारे में जो कार्रवाइयाँ होती है फॉलो अप एक्शन DGP मुख्यालय के द्वारा स्वयं किया।